हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल ज्ञान गुंजन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते होंगे, झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो आपके लिए झारखंड व्यवहार न्यायालय की तरफ से एक बहुत बड़ा भर्ती का अपडेट हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में झारखंड व्यवहार न्यायालय की तरफ से एक भर्ती निकाला गया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसी भर्ती के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि उसका उम्र सीमा क्या रहने वाला है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है और शारीरिक मापदंड क्या रहने वाला है और अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या रहने वाला है और उसका सैलरी है वो कितना मिलेगा। सारा जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप झारखंड व्यवहार न्यायालय भर्ती के बारे में सारा जानकारी पाना चाहते होंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप अपने चैनल पर न्यू आ रहे होंगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं व्यवहार न्यायालय पलामू डाल्टनगंज, विज्ञापन संख्या 1/2023, दिनांक 7/2/2023। यानी कि फ्रेंड, ये जो भर्ती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकाला गया है, जैसे कि रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, गुमला, खूंटी, झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी अभी आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यवहार न्यायालय पलामू डाल्टनगंज में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार विहित पत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसका क्या प्रोसेस है सारा आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। रिक्तियाँ की विवरण निम्नलिखित हैं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस भी पद का वैकेंसी निकाला गया है आप यहां देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट में आपको पहला ऑप्शन में पद नाम दिया गया है, उसके बाद यहां से पद नाम दिया गया है और जनरल के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए कितना है और अनुसूचित जनजाति का कितना पद है, पिछड़ा वर्ग का कितना पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कितना पद है, सारा जानकारी आप इस चार्ट से देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके हल्का सा नीचे जाइएगा, शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान, यहाँ पे पद का नाम दिया गया है, कितना वेतन मिलेगा, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए और उसका भर्ती का क्या तरीका है, सारा आप यहाँ से स्क्रॉल करके पद के अनुसार देख सकते हैं। धीरे धीरे आप स्क्रॉल करके नीचे जाते जाइएगा तो सारा जानकारी आप यहाँ से रीड करते जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, जैसे कि 4 नंबर में उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, सारा जानकारी आप यहां से रीड कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके आप हल्का हल्का नीचे जाते जाइएगा तो सारा जानकारी आप यहां से रीड करते जाइएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप क, इसमें स्पष्ट लिखा गया है स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ भेजे, यानी कि ये जो फॉर्म है इसको आपको सेम व्हाइट पेज पर इसी तरह से सारा कुछ लिख लेना है। उसके बाद उस फॉर्म को फिल करके या तो आप हाथों हाथ भेज सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हैं। सबसे पहले यहां देख सकते हैं आवेदक का नाम, यहां पे जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है उसको अपना नाम फिल करना होगा, इसमें हिंदी में और इसमें इंग्लिश में, इसमें पिताजी का नाम, इसमें जन्म तिथि, इसमें कितना मंथ, कितना दिन और कितना साल हो रहा है वो फिल करेगा, यहाँ से स्थानीय पता पिन कोड के साथ और स्थानीय पता और पत्राचार का पता, यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों में आप सेम फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ से ईमेल आईडी फिल करना है, यहाँ से राष्ट्रीयता, इसमें आपको इंडियन फिल करना है। शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता प्रमाण पत्र संकलन करें, यानी कि यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स फिल कीजिएगा उसका आपको फोटो कॉपी वहाँ पर अटैच करना होगा फॉर्म भरते साथ, जैसे कि मैट्रिक का डिटेल दीजिएगा तो किस बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हैं, कब किए हैं, कितना परसेंट आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है वो यहां से फिल कीजिएगा। उसके बाद इंटर का सारा जानकारी फिल करना है, स्नातक का भरना है और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो उसको आप इसमें फिल कर सकते हैं, साथ उसका प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। और इसके अलावा भी आपके पास कोई और योग्यता है तो इसमें फिल करना है, इसमें उसका डिटेल्स फिल कर देना है। और 12 नंबर में आप देख सकते हैं अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में या EWS के सदस्य हैं और इसका सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो आप यहां से अटैच कर सकते हैं फॉर्म के साथ।
कोटि कृपया चिन्ह लगाएं। अगर आप सामान्य जाति से विलोम करते होंगे तो इसको टिक लगाइएगा। अनुसूचित वन से करते होंगे तो इसको, अनुसूचित टू से करते होंगे तो इसको कीजिएगा, और जो भी वर्ग से विलोम करते होंगे वो आप यहाँ से टेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपका कुछ जानकारी फिल करना है, जैसे कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, सारा जानकारी आप यहाँ से फिल कर दीजिएगा। बाद यहाँ से आपको दिनांक मेंशन करना है, स्थान मेंशन करना है, और यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है। प्रपत्र ख, इसमें आपको इस कॉलम को छोड़ देना है, एक कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, इसमें अपना नाम, इसमें पिताजी का नाम, इसमें अपना पता, और देखिए इस कॉलम को छोड़ देना है, ये आपको नहीं फिल करना है। चार नंबर और पाँच नंबर को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से डेट मेंशन कर देना है, और या तो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं, या फिर हाथे हाथ जा कर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप झारखंड व्यवहार न्यायालय का फॉर्म फिल करना चाहते होंगे, ये फॉर्म हर एक डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। जैसे कि झारखंड के आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते होंगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से पता कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, और सिंपली आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इस पे आप एक कंप्लीट वीडियो पाना चाहते होंगे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम एक फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बना देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।